नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 और मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चले डालते हैं एक नजर सुबह की ताजा खबरों पर। पीएम मोदी आज WEF के दावोस एजेंडा में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड को करेंगे संबोधित। हरकसी भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित, मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त, आज थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। नहीं रहे कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज, दिल्ली में ली अंतिम सांस। कोरोना का असर, हाईकोर्ट में आज से आधे कर्मचारियों से होगा काम, बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। यूपी हरियाणा समेत 7 राज्यों में अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत नहीं, दिल्ली में आज के लिए येलो अलर्ट। दमा, गुर्दा और कैंसर रोगियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है कोरोना, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दिल्ली में कोहरे की वजह से 7 ट्रेनें लेट, 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेन कैंसिल। सीएम योगी आज जाएंगे गाजियाबाद, कोविड अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ यूपी में FIR, नोएडा में महामारी कानून के उल्लंघन का मामला। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश के जमानत पर हाईकोर्ट सुनाएगा आज फैसला। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।